बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री FSE पार्ट 1 मैथमेटिक्स में से लिया गया है, और इस चैप्टर पर हम पहले भी 2-3 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो सारा मैंने आपके सामने लिखा है कि चैप्टर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम पढ़ रहे हैं। ये FSE पार्ट 1 मैथमेटिक्स में से है जो कि PTB और फेडरल बोर्ड में पढ़ाया जाती है मैथ। और इसमें इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 9.3 जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको पता है कि जो एक्यूट एंगल्स हैं वो लेस दैन 90 डिग्री होते हैं, 0 से बड़े और लेस दैन 90 डिग्री। ओके, तो आए जी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे टॉपिक है हमारे पास द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45, 30 एंड 60 डिग्री, तो हम जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। यानी कि केस फर्स्ट मैं लेता हूँ, केस फर्स्ट में मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 45 डिग्री ले लेता हूँ, 45 डिग्री कह लें या पाई बाय 4 रेडियन कह लें। ओके, तो यहाँ पर लिखें कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट सी। यानी कि मेजर ऑफ एंगल जो सी है, ये एंगल की नोटेशन है इस तरह से, मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अब देखिएगा कि मैं किस तरह से ट्राइंगल बनाता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, यानी कि जब 9.2 की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़े थे, साइन कोस टैन, ठीक है। उसमें मैंने ट्राइंगल भी बना के आपको सारी जो है ये फंक्शंस ड्रा किए थे हमने। तो दोबारा देखें ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर जो है वो 45 डिग्री है या पाई बाय 4 रेडियन कह लें आप। ओके, अब आपको पता है कि ट्राइंगल की जो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं ट्राइंगल के, वो किस पर डिपेंड करते हैं? साइज़ ऑफ दी एंगल पे डिपेंड करते हैं। यानी कि उसके ट्राइंगल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करते, उसके एंगल के साइज़ पे डिपेंड करते हैं। ये लाइन जो है वो यहाँ पर पेज 302 के ऊपर लिखी भी हुई है। तो एज़ वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं एज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड ऑन द एंगल, साइज ऑफ एंगल कह लें, बट नॉट ऑन साइज ऑफ ट्राइंगल। ओके, समझ रहे बात आप? अच्छा जी, अब हम वी कैन टेक, अब आप जरा गौर करिएगा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना ली, जो ए वर्टेक्स है उस पर एंगल 45 डिग्री है, जो सी है उसके ऊपर 90 डिग्री बना है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए 90 प्लस 45 135, और इसमें आप ये एंगल 45 ऐड करें तो फिर ही बनेगा ना 180 डिग्री। तो जब दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के सेम आ जाते हैं तो उसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर 45 45, दो एंगल सेम हैं और थर्ड एंगल जो है वो क्योंकि 90 डिग्री का है, तो ये ट्राइंगल कौन सी बन गई है? ये बन गई है बेटा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि ए बी सी
इज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब वी कैन टेक, ऊपर जो मैंने लिखा था कि इसके सामने स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, तो अब हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों साइड जो हैं वो क्योंकि इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो मैंने ए बी को दोनों को जो है वो वन कह रहा हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू वन। अब सी साइड का हमें पता नहीं है कि सी साइड अब कैसे फाइंड होगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सी फाइंड कर सकते हैं जो कि हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। यहाँ पर आप हाइपोटेनस की वैल्यू लगाओ, सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर और परपेंडिकुलर जो है वो ए का स्क्वेयर है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, सी स्केयर इज इक्वल टू वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्केयर, सी स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आ जाएगा। दोनों तरफ जो है ना बेटा स्क्वेयर रूट लें तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट टू, तो क्योंकि ये लेंथ है तो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, स्क्वेयर रूट टू मिल रही है। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं, ए की वैल्यू हमने वन लेट कर ली है, बी की वैल्यू भी वन लेट कर ली थी, और ए और बी साइड से हमने सी फाइंड कर लिया जो कि फाइंड हुआ स्क्वेयर रूट टू। तो अब बेटा हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी है, बतानी है, तो वो मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ, ये मैं अब रेज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास फर्स्ट जो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो है साइन 45 डिग्री। तो उस ट्राइंगल के मुताबिक देखें तो साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह कॉस 45 क्या होगा, कॉस 45 बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे 1 है और हाइपोटेनस क्या है, स्क्वेयर रूट 2। इसी तरह से टेन 45 जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये साइन क्या होता है, सम पीपल हैव कोस कर्ली ब्राउन हेयर, और टैन क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये मैंने आपके लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। इसी तरह टैन 45 जो है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 1 ओवर 1, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल है बेटा वो लिखते हैं हम, कोसिकंड 45 डिग्रीज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2 आ जाएगा, फिर सिकंड 45 डिग्रीज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2 आ जाएगा, और टेन 45 का जो रेसिप्रोकल है कोट 45, ये 1 का रेसिप्रोकल जो है वो 1 ही होता है। ओके, तो इस तरह से सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो हमने फाइंड कर ली। अब बाद बच्चे जब कैलकुलेटर पे, आप में से अक्सर बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर पे ही ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, बाकी इनको आप याद भी रख सकते हैं। ओके, इनको याद भी कर सकते हैं आप, जैसे साइन 45 लिखते हैं तो कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाती है स्क्वेयर रूट 2/2। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, स्क्वेयर रूट 2 और नीचे वाला जो 2 है इसको दो दफ़ा मैं स्क्वेयर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट 2 लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 ही बच जाता है। ओके, तो कैलकुलेटर पे वो स्क्वेयर रूट 2/2 है, तो आप उसको 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारी 45 डिग्री के लिए सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की, डिस्कस की। ओके, तो अब चलते हैं हम केस सेकंड पे, जब मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो हम 30 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो ये मैं रेज कर देता हूँ सारा। ओके, ये भी रेज कर दूँ। ओके जी, और इसी तरह से ये भी सारा रेज कर देते हैं। अच्छा जी, केस हमारे पास सेकंड है बेटा के व्हेन
मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए उसी तरह से। ए बी और सी, और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री कह दिया। अब 30 डिग्री को आप पाई बाय 6 रेडियन भी कहते हैं, पाई बाय 6 रेडियन भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आप लिखें लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी, और जिसमें मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है। अब आप ज़रा गौर करें कि अगर यहाँ पर 90 है, और क्योंकि ये राइट एंगल है, 90 प्लस 30 120, तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिखेंगे, और जैसे हमने पहले भी लिखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, फंक्शन जो हैं, वो साइज़ ऑफ द एंगल पे डिपेंड करते हैं, नॉट के साइज़ ऑफ द ट्राइंगल पे। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये लिखा हुआ है कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनोस। तो ये लिखते हैं हम, यहाँ पर मैं मेजर ऑफ एंगल बी भी लिख लेता हूँ जो कि 60 डिग्री है, और इसी तरह मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, अब अगर हाइपोटेनस जो है वो 2 है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम 1 और 2 में ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको एक्स या एक्स बाय 2 रहने दें। तो हम इसलिए इसको लिखेंगे लेट जो यहाँ पर जो साइड हैं ऑपोजिट, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर जो ए साइड बन जाएगी वो 1 और सी जो है वो 2 बन जाएगी, क्योंकि 90 के सामने राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका उससे ये हाफ है ना, यही एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हमें पता चल रहा है ना। हाँ जी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनोस, हाइपोटेनोस से ये हाफ होता है। अब हमने फाइंड करना है बी साइड बाय पैथागोरस थ्योरम, तो मैं लिखता हूँ बाय पैथागोरस थ्योरम ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनोस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमने लेट कर ली है 1, सी की वैल्यू हमने लेट कर ली है 2, और बी का भी हमें पता नहीं है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस क्या है बेटा, सी है, सी का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ए की वैल्यू जो है वो 1 है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्केयर, बी स्केयर इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3। अब क्योंकि सिर्फ ये लेंथ है, क्योंकि तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे बी की वैल्यू स्क्वेयर रूट 3 हमें मिल गई है। ओके, अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो वो क्या है ए ओवर सी, ओके ए ओवर सी, और इज इक्वल टू 1/2, ओके। इसी तरह से आप कोस 30 और ये सारी वैल्यूज लिखें, कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ओके, और बेस यहाँ पर क्या है बी है ओवर सी, तो स्क्वेयर रूट 3/2, ओके। इसी तरह से आप टेन 30 लिखें, तो टेन 30 में आप ये डायरेक्ट भी ये सारी साइड सिर्फ लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यह आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है और बेस जो है वो स्क्वेयर रूट 3 है, यानी कि ए ओवर बी की जो वैल्यू है, इस तरह से आप पहले अगर ए ओवर बी लिखना चाहते हैं तो 1/√3। अब इनके रेसिप्रोकल लिखें, कोसिकेंट 30 डिग्री ये आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2/√2, फिर सीकेंट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और कोट 30 डिग्री आ जाएगा, कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका जो बेस एंगल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं 30 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं, वो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। समझ आ रही होगी आपको, उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं हम थर्ड केस पे, जब एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का होगा। थर्ड केस है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप π/3 रेडियन भी कह सकते हैं, π/3 रेडियन, ओके। तो चले जी आगे, लो जी अब इसी के ऊपर हमने ये पढ़ लेना है, देखिएगा। ठीक है, देखें, और ये एंगल्स वगैरह दोबारा लिख लेंगे हम, ये सारी कंडीशंस वही हैं, और ये वाला, ओके चलें जी। और ये जो है ये एंगल्स मैं रेज कर देता हूँ। अब आप 30 डिग्री 45 दोनों समझ चुके हैं, तो 60 आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ओके। ये देखें, इसी के ऊपर जो है ना हम सारा बना लेते हैं दोबारा। अगर मैं एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसके सामने वाली जो साइड है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और ये सी के सामने सी है। यहाँ पे मैंने लिखा कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60, तो बी किसके इक्वल हुआ, 30 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो आ गया 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखें वही रीज़न लिखी दोबारा, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री ना राइट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, वही चीज़ें लिखी। अब ए जो है वो लेट कर लिया 1 है, ए यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है, क्योंकि 30 के सामने वाली जो साइड है वो बी इज इक्वल टू 1 है, तो सी क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर आप लिखें बी इज इक्वल टू 1, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने ए फाइंड करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 2 का स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 1 का स्क्वेयर और ए का स्क्वेयर, 4 इज इक्वल टू 1+a² 4-1 इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 3 है बेटा। अब दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वेयर रूट ले लें, इस तरह से ये कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू +-√3, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा क्या करेंगे, सारी वैल्यूज लिखते हैं 60 डिग्री को कंसीडर करके, तो यहाँ पर अब हमें a की जो वैल्यू मिल गई है वो √3 है। ये सारी जो ट्राइंगल हैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 की, या मैट्रिक ओ लेवल्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, ओके, तो आपको मुश्किल नहीं लग रही होंगी इतनी। अब यहाँ पर देखें साइन 60 डिग्री लिखते जाए, साइन 60, टेन 60, कोसेकेंट 60,
और सीकंट 60 और इसी तरह कोट जो है वो 60 डिग्री। अब साइन 60 क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनस, तो ए ओवर सी, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3/2। कोस 60 क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? 1/2। ओके 1/2। और टेन 60 क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो स्क्वेयर रूट 3/1 यानी कि स्क्वेयर रूट 3। इसी तरह कोसेकंट, सीकंट और कोट जो है वो हम उनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कोसेकंट 60 क्या होगा? 2/√3। सेकंड 60 क्या होगा? 2/1। और कोट 60 क्या होगा? 1/√3। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है आपको? ओके जी, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। अब इसकी जो डेरिवेशन है, यानी कि आपको अगर कह दिया हो कि 30 डिग्री की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बताएं आप, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो ये कभी नहीं आया। बाकी ये क्वेश्चंस के अंदर आपको हेल्प करती हैं वैल्यूज़, सही है, तो इस वजह से मैं इसको ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आपको पता चल जाइए। तो अब है जी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। ये केस 1, केस 2, केस 3 जो है, तीनों केसेस हमने पढ़ लिए, 45 डिग्री का, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। ओके जी, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग में बताता हूँ आपको, पेज है ये 305 पेज नंबर 305। मेरा लेक्चर आपको जस्ट क्लासरूम वाला लेक्चर ही लग रहा होगा, ठीक है, जैसे ही आपको क्लास में कोई टीचर पढ़ाने आता है कॉलेज का, तो वैसे ही आपको ये लेक्चर डिलीवर होगा इंशाल्लाह। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब इससे पहले हमने जो है वो डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि ये कौन से एंगल्स हैं। जब मैंने आपको को टर्मिनल एंगल्स एक्सरसाइज 9.2 में को टर्मिनल एंगल्स, एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन भी पढ़ाई है, तो बेसिकली ये क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी कि मैं दोबारा भी अगर आपके सामने लिख दूं तो अच्छी बात है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, द एंगल्स इफ द, या ऐसे लिख लें कि इफ द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। यानी कि ऐसे एंगल जो एक्सिस पर लाई करें, एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे लाई करें, और है दरमियान में, एंड नहीं है, और या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उनको आप क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। अब इसका केस फर्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि जब एंगल जो है हमारे पास, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके, तो यहाँ पे लिखें नंबर 1 पे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। अब 0 डिग्री आपको पता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और हमने 9.2 से पहले एक टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, ऑफ एनी एंगल, ठीक है, तो जिसमें मैंने इस तरह से शेप बनाई थी, और यहाँ पर एक पॉइंट था पी ऑफ एक्स वाई, ओके, ये पॉजिटिव एक्स, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल थीटा है,
ये बेस इसकी एक्स है, ये वाई है और ये आर है। तो जो जो आर है वो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओके, तो इसकी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शंस सारे लिखवाए थे, साइन थीटा वाई ओवर आर, कोस थीटा एक्स ओवर आर। तो इसी तरह आपने ये ज़ीरो डिग्री के लिए भी आपने देखना है कि ज़ीरो डिग्री कहाँ पर लाई कर है। तो ये लाई कर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि आपके पास अगर ऐसे है ये ओ पी या ओ ए कह लें, तो ये पॉइंट जो है ना, इसको एक्स कह लें, पॉइंट जो है पी, क्या वो वन ज़ीरो नहीं होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बेसिकली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वन ज़ीरो नहीं होगा, वाई ज़ीरो होगा और एक्स की वैल्यू जो है वो वन है। यहाँ पर लिखें आप द पॉइंट वन ज़ीरो लाई ऑन द, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी बुक से हम फॉलो करें, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, ठीक है, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ज़ीरो डिग्री। ओके, ज़ीरो डिग्री के उसके टर्मिनल साइड पे लाई कर रहा है। ओके, अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो है ये मैं रेज कर देता हूँ, ये सिर्फ बताने का मकसद था। ओके, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालें, तो आर जो है बेसिकली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास वन और ज़ीरो, एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ये इसमें पुट कर दें, वन का स्क्वेयर प्लस ज़ीरो का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो, तो वन का स्क्वेयर रूट वन ही होता है। अब सारी आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ले लें, आप लिखें साइन ज़ीरो, कोस ज़ीरो, ठीक है, टेन ज़ीरो। ओके, अब साइन ज़ीरो क्या होता है? साइन ज़ीरो है हमारे पास वाई ओवर आर उस ट्राइंगल के मुताबिक। ये जो मैं अगर मैं यहाँ पे वो दोबारा बना दूँ, अभी जो रेज भी किया है मैंने इस तरह से, ये वाई है, ये एक्स है और ये आर है, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो पी ऑफ एक्स वाई है, साथ साथ है ना मेरे। तो साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनोस। कोस क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेनोस। टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनोस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी। तो बाकी उनके कन्वर्स ले लेंगे हम। तो यहाँ से साइन ज़ीरो जो है वो वाई ओवर आर, और वाई की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, और आर की वैल्यू वन, तो ज़ीरो ओवर वन ज़ीरो। इसी तरह कोस ज़ीरो जो है वो एक्स ओवर आर, एक्स की वैल्यू वन, आर की वैल्यू वन, तो कोस ज़ीरो जो है वो वन आ गया। टेन ज़ीरो क्या होता है? वाई ओवर एक्स। ओके, और वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो और एक्स की वैल्यू वन, तो ज़ीरो आ गया। इसी तरह अब इनके रेसिप्रोकल लें, तो कोसिकंट ज़ीरो डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होगा? आर ओवर वाई, आर की वैल्यू वन है और वन ओवर ज़ीरो जो है ये अनडिफाइंड होता है जी, ठीक है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, तो आपने इसको अनडिफाइंड लिखना है, इन्फिनिटी नहीं लिखना। ओके, तो वन ओवर ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड। इसी तरह सिकंड ज़ीरो जो है बेटा वो आ जाएगा एक्स ओवर आर, कोस का रेसिप्रोकल, तो ये है वन ओवर वन, तो ये तो वन ही रहेगा। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट, कोट ज़ीरो जो है ये आ जाएगा एक्स ओवर वाई, तो ये आ जाएगा वन ओवर ज़ीरो। ओके, तो ये क्या बनेगा? अनडिफाइंड। ओके बेटा, अब ये ज़ीरो डिग्री को लेके हमने सारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड कर लिए, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी कैलकुलेटर से भी आप इसको डायरेक्ट कोसाइन ज़ीरो, कोस ज़ीरो, टेन ज़ीरो जो है वो बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाकी ज़ुबानी भी याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल पे, वो है जी 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड केस है हमारे पास कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री जो है वो कहाँ पे लाई करता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पर वो पॉइंट है
जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 1, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। ओके, तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई की वैल्यू जो है वो 1 होगी। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आप लिखें पॉइंट, द पॉइंट पी 01 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही है ना। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया इससे पहले, जब मैंने क्वाड्रेंटल एंगल्स लिखे हैं तो 5 एंगल लिखे हैं, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 5 ही क्वाड्रेंटल एंगल हैं। जो भी 90 का मल्टीपल्स हैं, 360 से आगे चलें आप 450, फिर 540 डिग्री, फिर आप 90 और आगे चलें तो 630 डिग्री, फिर 720 डिग्री। ठीक है जी, जो भी 90 का कंप्लीट मल्टीपल है, हाँ जी मल्टीपल है, तो वो आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं और ये इनफाइनाइट होंगे। बात फॉलो कर रहे हैं आप? वो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? अच्छा जी, अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी तो सिर्फ 5 हम क्वाड्रेंटल एंगल बेसिक जो है वो पढ़ रहे हैं, फिर फर्दर आगे जैसे 450 डिग्री विल्फर्स पढ़ते हैं। 450 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 450 जो है वो एक्चुअली 90 के इक्वल है, उसमें से जो 360 का मल्टीपल है वो हम निकाल देंगे। एक्सरसाइज 9.3 के जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने जनरल एंगल पढ़ना है, उसमें हमने यही चीज़ें करनी है, जो 2π और 360 के मल्टीपल्स होंगे वो हम निकाल दिया करेंगे, बाकी जो एंगल बचा करेगा उसके जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो बेटा बात हो रही है ये 0, 90, 180, 270 और 360, उसमें से 0 और 360 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। 0 डिग्री के लिहाज से भी यही है, और 0 की जगह पे मैं 360 लगा दूँ, sin 360, cos 360, tan 360, ओके, cosecant 360, secant 360 और cot 360, उसकी भी यही वैल्यूज़ आएंगे। बात फॉलो करें ना आप? अब पीछे 90, 180 और 270 रह गया, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि 0 और 360 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए जो 0 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वही 360 के लिहाज से भी वही वैल्यूज़ आएंगे। क्लियर है ये बात? कोई इशू तो नहीं है भाई? ओके जी, अब चलते हैं 90 डिग्री पे। मैंने लिखा द पॉइंट 01 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है 01, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो r किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। यहाँ पर वैल्यूज पुट की 0 का स्क्वेयर, फिर 1 का स्क्वेयर, 0 प्लस 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। ओके, अब देखें जी, साइन 90 डिग्री, कोज 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री और फिर इनके रेसिप्रोकल, यानी कि कोसिकन 90, चलिए नीचे लिख लेते हैं हम, कोसिकन 90 और सिकन 90 और कोट 90 डिग्री। ओके, अब साइन 90 क्या होगा? साइन बेसिकली वाई ओवर आर होता है, वही ट्राइंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर ओवर जनरल जो ट्राइंगल है वाई ओवर आर। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू बेटा क्या है? 1 और आर की वैल्यू क्या है? 1, तो साइन 90 1 होता है। इसी तरह कोज 90 बेटा एक्स ओवर आर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1, तो 0/1 0 आ जाएगा। ओके, टेन 90 जो है वो क्या होता है? वाई ओवर एक्स, तो वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 0 है, तो समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या 1/0 जो है उसको आप अनडिफाइंड कहते हैं। ऐसे ही कोसिकन 90 इसका रेसिप्रोकल लें, आर ओवर वाई, तो 1/1 1, सिकन 90 इसका रेसिप्रोकल लें आर बाय एक्स, तो 1/0, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक हो गया। इसी तरह कोट 90 इसका रेसिप्रोकल लें एक्स ओवर वाई, यानी कि 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होता है। ओके, तो इस तरह से हमने 90 डिग्री की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली है। ओके, अब चलते हैं हम
180 डिग्री की तरफ। ये इसको एक दफ़ा आप अच्छे से देख लें और मैं 180 डिग्री इधर करवा देता हूँ। बल्कि इसी को आप देख लें, यहाँ पे खुला खुला जो है ना 180 के लिहाज से मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। तो चलें जी आगे। लो जी, ये रेज कर लेते हैं और ये रेज कर लेते हैं, इन सब को भी रेज कर लेते हैं। नंबर 3 है हमारे पास कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो लाई होगा -1 और 0, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 180 डिग्री। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर पॉइंट लाई कर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1 और 0 हैं और ये हमारे पास ओरिजिन। देखें, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस वन ही है, क्यों डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की जगह पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1 होगा। अब यहाँ पर देखें आप, सॉरी, पॉइंट जो है वो -1 और 0, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो आर किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू -1 का स्क्वेयर, वाई की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 और 1। तो आर की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 1। अब ये सारी वैल्यूज़ यानी कि हमारे पास पॉइंट जो है वो -1 और 0 और r की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल हमारे पास है जी 180 डिग्री, साइन 180 y ओवर r, कोज 180 x ओवर r और इसी तरह टेन 180 इज इक्वल टू y ओवर x। ओके, अब इनके रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, कोसिकंट 180 डिग्री इज इक्वल टू आर बाय वाई और सीकंट 180 इज इक्वल टू आर बाय एक्स और कोट 180 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, वाई की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू 1 0 ओवर 1 0, कोज 180, एक्स की वैल्यू क्या है -1, आर की वैल्यू 1 -1 ओवर 1 -1, ऐसे ही है। इसके बाद टेन 180 है तो अब इसको करो y ओवर x, तो 0 ओवर -1 0। ओके, इसका अब रेसिप्रोकल ले लें, r की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड। ओके, इसी तरह सीकंट 180 में ये आ जाएगा r ओवर 1 ओवर -1, तो -1 आ जाएगा, और कोट 180 में y ओवर y की x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो -1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने 180 डिग्री को पढ़ा और उसके जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ थी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो हमने फाइंड कर लिए। क्लियर है सबको? अब लास्ट जो एंगल है वो है जी 270 डिग्री, उसको हम पढ़ते हैं। तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें आप तसल्ली से, हो जाएगा। लो जी, अब एंगल है हमारे पास 180 डिग्री और यहाँ पर पॉइंट हम ले लेंगे, बल्कि इसको मैं रेज कर देता हूँ सारा और ये रेज कर देता हूँ और ये रेज कर देता हूँ। देखें जी, अब थीटा हमारे पास क्या है,
270 डिग्री है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0-1 होंगे, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा और नेगेटिव वाई की वजह से वाई कंपोनेंट जो है वो -1 होगा। द पॉइंट पी 0-1 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 270 डिग्री है ये। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट है बेटा वो है 0-1 और एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है -1। सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -1 है और होल स्क्वायर रूट 0 + 1, -1 का जो स्क्वायर है वो +1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो जो r की वैल्यू है वो 1 ही आ रही है। आपने गौर किया होगा कि सारे केसेस में 0 डिग्री में, 90 में, 180 में और इवन के 270 में भी तो r की वैल्यू 1 ही फाइंड हो रही है, बस x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी 0-1 और r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, x और y कंपोनेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये आ जाएगी जी सबसे पहले साइन 270 डिग्री y ओवर r, वैल्यूज पुट करते जाइएगा, cos 270 डिग्री x बाय r होता है, अभी पहले हमने लिखी है ना, आपको याद है। और इसी तरह tan 270 डिग्री y ओवर x, और इनके रेसिप्रोकल लिखें, कोसेकंट 270 डिग्री इज इक्वल टू r ओवर y, और फिर सेकंट 270 डिग्री इज इक्वल टू r बाय x, और कोट 270 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर y। ओके, अब y की वैल्यू क्या है बेटा, -1, r की वैल्यू 1 तो -1, x की वैल्यू क्या है जी 0, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ आपके सामने, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, x ओवर r 0 by 1 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 तो 1/0 या -1/0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, ठीक है जी। ओके, इसके बाद कोसेकंट 270 r ओवर y, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/-1 -1 आ जाएगा, सिकंड 270 इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा 1/0 बेटा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और कोट 270 जो है ये आ जाएगा 0/-1, तो 0/-1 जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए और बाकी ये क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। अब कैलकुलेटर से जब आप वैल्यूज़ निकालते हैं तो साइन, कोज और टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर कोसेकंट जो है वो 270 आ रहा है, तो आपको याद नहीं आ रहा कि कैलकुलेटर से मैं कैसे फाइंड करूं। मिसाल के तौर पे कोसेकंट आ जाता है 270, तो बाद बच्चे जो है वो शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाते हैं तो वो इन्वर्स आ जाता है, साइन इन्वर्स, तो वो समझते हैं कि जो साइन इन्वर्स है वो बेसिकली कोसेकंट ही है। तो साइन और साइन इन्वर्स और चीज़ है, साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकंट, कोसेकंट साइन इन्वर्स के इक्वल नहीं होता। तो कोसेकंट 270 के लिए अगर बेटा आपने कैलकुलेटर से निकालना तो आप इसको 1/sin 270 कर लेंगे, कैलकुलेटर पे आप 1/sin 270 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा 1/-1 तो -1। तो कोसेकंट, सेकंट और कोट के लिए ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते वैल्यूज़, कोसेकंट को आप 1/sin करके सोल्व करें, सेकंट को 1/cos करके सोल्व करें और कोट को 1/tan करके सोल्व करें तो फिर गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक जो है एक्सरसाइज 9.3 की जो थ्योरी है वो मैंने आपके सामने जो है वो उसको प्रेजेंट किया, पढ़ाया। इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो लाजमी मुझसे पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9.3 जो है थारोली पूरी जो है एक्सरसाइज वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और
तब तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने करीब जितने भी लोग उनका ख्याल रखें और दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।